तो गाइज बिल्कुल सही देखा आपने, वेयर इज माई ट्रेन से ट्रेन का स्पीड कैसे चेक करें। बिल्कुल सही है, हम लोग वेयर इज माई ट्रेन से ट्रेन का स्पीड भी चेक करते हैं। तो कैसे करते हैं वो आपको एक एक सेटिंग बताएंगे, सेटिंग करने के बाद आप भी चेक कर पाएंगे। सबसे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि लाखों लोग ट्रेन यात्रा करते हैं डेली, लाखों लोग ट्रेन यात्रा करते हैं और लाखों लोग के पास वेयर इज माई ट्रेन मोबाइल में इंस्टॉल होता है। गाइज हम लोग वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन को इसलिए इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि मैं ट्रेन का करेंट स्टेटस जान सकूं। गाइज करेंट स्टेटस जानने के लिए आज तक हम लोग वेयर इज माई ट्रेन को यूज करते आए हैं। तो चलिए आज हम लोग यूज क्या करेंगे कि ट्रेन का स्पीड के लिए वेयर इज माई ट्रेन का एप्लीकेशन को यूज करके दिखाने वाले हैं, वो भी लाइव दिखाने वाले हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखना पड़ेगा और स्किप करके ना देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स को मैं बता रहा हूँ, सेटिंग्स अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, आप भी वेयर इज माई ट्रेन से ट्रेन का स्पीड चेक कर पाएंगे, वो भी इजी। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखिए यहां पर क्लिक करें सब्सक्राइब करने के लिए, उसके बाद यहां पर क्लिक करें, यहां पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर देने, ऑल पर क्लिक कर देने के बाद थैंक यू। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग ट्रेन का स्पीड चेक कैसे करेंगे आपको एक एक प्रोसेस करके बताते हैं। गाइज वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, वीडियो को ऑलरेडी मैं छोटा बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या काम करना है कि हम लोग वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन जो है रेलवे का, उसको ओपन कर लेना है। हम लोग वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आप कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस ट्रेन पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से सर्च कर लेंगे। चलिए मैं गया हूँ, तो गया यहाँ पे सर्च कर लिया हूँ। गया सर्च कर लेने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे गया जंक्शन और कहाँ मैं जा रहा हूँ, आसनसोल। तो आसनसोल जा रहा हूँ, आसनसोल मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च कर लेने के बाद देखिए आप कौन सा ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कौन सा ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद देखिए मैं ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, देखिए हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। गाइज ये हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देने के बाद देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट एरो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक कर देने के बाद देखिए कि इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा आ जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे इनसाइड दिस ट्रेन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइस जो आपको GPS दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो GPS दिखाई दे रहा है उस GPS को हम लोग ऑन कर लेंगे, उस GPS पे क्लिक कर देंगे। चलिए तो उस GPS पे क्लिक कर देने के बाद इंटरफेस देखिए कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे अभी ट्रेन रुकी हुई है इसलिए मेरा कुछ स्पीड नहीं बता रहा है। चलिए स्पीड कैसे बताता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप से कुछ स्पीड बताता है, देखिए वहाँ यहाँ से 130 का स्पीड, 29 का, 28। गाइज अगर धीरे होता है ट्रेन तो धीरे बताता है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका कमेंट और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने पर। सो थैंक यू।